सभी साथियों को नमस्कार। आप सबको अवगत कराना चाहते हैं कि दैनिक भास्कर के द्वारा एक पोस्ट आया कि 45,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती सूबे के उत्तर प्रदेश में जल्द देखने को मिलेगी, जिसके द्वारा बहुत सारे छात्र परेशान थे। काफ़ी लोगों का फ़ोन मैसेज कॉल आ रहा था, तो जिसको देखते हुए हम सब ने दैनिक भास्कर के जो सचिन जी थे, जिन्होंने इस पोस्ट को और इस जानकारी को साझा किया था, उनसे बात किया और चर्चा किया। और इस चर्चा में ये निष्कर्ष निकला, उन्होंने बताया कि 45,000 भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 8 तारीख को बैठक किया था, जिसमें सारी रिक्त पदों का ब्यौरा मंगाया गया था और ब्यौरा के संबंध में मुख्यमंत्री जी ने 45,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में भी कहा है। हमने कहा कि अभी तो शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष घोषित नहीं हुआ है, तो कैसे अधियाचन यहाँ से गया होगा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। उनके द्वारा कहा गया कि जो रिक्त पद डाटा थे सूबे के हर विभाग में, उस विभागों के डाटा को आंकड़ा को देखते हुए 45,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को सृजित किया गया है, जिसके संबंध में जल्द ही आयोग को अधियाचन देने के लिए कहा जाएगा और उत्तर प्रदेश में नई भर्ती आएगी। तो फिलहाल ये जानकारी दैनिक भास्कर के सचिन जी द्वारा दिया गया है। अब इस तथ्य में, इस साक्ष्य में कितना सच है, कितना क्या है, या तो जब तक आयोग का अध्यक्ष नहीं बनेगा, या तो अक्टूबर दिसंबर तक इन्होंने कहा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने के लिए, तो फिलहाल इस खबर की पुष्टि हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी, या तो जिम्मेदार शिक्षा मंत्री, या तो मुख्यमंत्री जी द्वारा ये ना कहा जाए कि सूबे में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जल्द आएगी। तो फिलहाल साथियों, जिस रिपोर्टर के द्वारा ये, पत्रकार के द्वारा ये खबर छपी थी, उनसे बात करके यही निष्कर्ष निकला हुआ है। और बाकी कितना इस खबर में सच्चाई है, ये आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, या तो कोई अधिकारी, जब तक जिम्मेदार अधिकारी इस पर बयान नहीं देगा तब तक इस खबर की पुष्टि मैं नहीं करता हूँ। फिलहाल ये पत्रकार के द्वारा ये इतनी बातें कहा गई थी, जो आपको हमने बता दिया। धन्यवाद साथियों।